नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज आपकी कुंडली में अमीर बनने के कौन से योग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे जाते। जिंदगी में अमीर सभी लोग बनना चाहते हैं, पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन सभी की कुंडली में धनवान बनने के योग नहीं होते हैं, लेकिन ये योग बन जरूर सकते हैं। आप धनवान कैसे बनेंगे, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आइए जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कहाँ छिपे हैं अमीर बनने के योग? कम पढ़ा लिखा होने का अभिशाप कब बन जाता है वरदान? कम पैसे में भी आप कैसे पा सकते हैं मालामाल सफलता? कारोबार और नौकरी में तरक्की दिलाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप गुरु मंत्र पेज को फेसबुक पर लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सभी सवालों के जवाब इस शो में जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि धनवान बनने के कौन से योग होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं कुंडली में जिनसे पहचान सके? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर तो असंख्य योग बनते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे खास योग है बेटा, सबसे पहले नंबर पे आता गज केसरी योग। गज केसरी यानी हाथी जितना बड़ा धन, समझिए, और सोना। बेटा, चंद्र और बृहस्पति जब आपस में मिल जाते हैं और ये जन्म कुंडली के दूसरे, चौथे और नौवें घर के अंदर हो, तो बेटा ऐसे में इंसान की पैदाइश के बाद माता पिता की ही परमात्मा इतनी ज्यादा सुनता है कि पिता के द्वारा ही धन इतना अच्छा अर्जित होता है। कहते हैं इस योग के अंदर बच्चे के पैदा होते ही पिता का कामकाज बहुत अच्छा चलता है और उसकी किस्मत में लिखा होता है कि जैसे कोई पेड़ दूध के साथ सींच के बड़ा किया जाता है, इसी प्रकार से बच्चे का जीवन बन जाता है कि उसको बचपन से ही सारे सुख और सहूलियतें मिलती है। और जब ये गज केसरी योग दूसरे, चौथे, नौवें घर के अंदर होता है बेटा, तो माता पिता के लिए पहले जो काम बिल्कुल असंभव हुआ करते हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके माता पिता की समृद्धि बढ़ती चली जाती है और बच्चे को अपने भविष्य के लिए भी कोई खास जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बैठे बिठाए ही माता पिता से जमीन जायदाद वाहन के सुख सब कुछ मिलता है और बच्चे की पढ़ाई भी ठीक ठाक किस्म की होती है, जिसके अंदर की वो आगे चल के स्वयं भी बहुत धैर्य वाला, सोच समझ करके चलने वाला और हर तरह से उत्तम कार्य करने वाला इंसान बनता है, जिसके चलते उसे जिंदगी में कभी भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे पहला योग तो ये बेटा। उसके बाद दूसरा है शनि और बुध का मेल। शनि और बुध का मेल अगर अच्छे स्थानों पर बैठ जाए, जैसे जन्म कुंडली के 11वें 12वें घर के अंदर, तो बेटा ऐसे में ये भी योग कहते हैं कि गांव का रईस बनाता है, यानी कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी बुद्धि के बल पर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इंसान जो कामकाज करके जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की पाता है, खास तौर पे 35 साल की उम्र, यानी कि 34-35 साल की उम्र के बाद परमात्मा उसकी बहुत सुनता है और वो स्वयं अमीर बनता है। फिर इसके बाद में और बहुत सारे योग आ जाते बेटा, जैसे मंगल 5वें घर में हो तो उसके लिए कहा जाता है कि ये स्वयं अमीरों का बाप दादा होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसकी औलाद होगी। लेकिन मंगल 5वें घर में हो और इंसान को किसी भी विद्या का शौक पड़ जाए या वो प्रोफेशनल बन जाए, किसी भी चीज का डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो ऐसे में बेटा ये मंगल इतनी ज्यादा कृपा करता है कि इंसान की बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण और इतना ज्यादा खोल देता है, जिसके बाद में उसका अपना ही ज्ञान दूसरों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल हटके होता है और वो अपने ज्ञान के बलबूते, अपने प्रोफेशन के बलबूते जिंदगी के अंदर बहुत धन कमाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मंगल 4थे घर का। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मंगल 4थे घर का। मंगल 4थे घर को कहा जाता है कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है, लेकिन जब 4थे घर का मंगल आता है तो तब पिता की कुंडली के अंदर ये 12वें स्थान का काम करता है,
जिसके अंदर पिता बड़े बड़े खर्चे करने के काबिल बन जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे के पैदा होते ही घर के अंदर धन संपदा बहुत अच्छी आती है, बढ़ता है, लेकिन शुभ मंगल होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है बेटा जो बद होता है और अच्छा होता है। अगर ये बद हो तो ये पूरे परिवार को बर्बाद करता है, लेकिन अगर ये शुभ हो तो इंसान के पास, यानी कि इंसान के पिता के पास इतनी दौलत आती है कि उसकी जमीनें कहां कहां और कितनी होगी वो उसको भी नहीं पता होगा। और इसके बाद में बेटा शुक्र भी बहुत अच्छा देते हैं, पर शुक्र जब धन भाव में बैठे हुए होते हैं तब देते हैं। शर्त यह है कि कोई भी पापी ग्रह सातवें स्थान पर नहीं होना चाहिए, बारहवें स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का बचाव होकर के शुक्र धन भाव में अच्छे वाले बैठते हैं, अच्छी राशि में बैठते हैं, तो इंसान अपने बोलने की कला से, मीठेपन से ही दुनियादारी के अंदर कामकाज करके बहुत धन कमाता है, उसकी चाहे पढ़ाई लिखाई हो या ना हो। तो इसी प्रकार से बृहस्पति भी धन भाव के ऐसे ही हैं। उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, बस एक अच्छा योग बना करके वो बैठे हुए हो, तो बेटा इंसान सारी जिंदगी सिर्फ धन कमाता है अपनी बोल बानी से, किसी भी फील्ड का गुरु बनके, और वो लोगों को सिखाता भी है, बढ़ाता भी है, उसका नाम भी बहुत ऊंचा जाता है। तो बेटा ये कुछ एक योग ऐसे हैं जो इंसान को वाकई में धनी बना करके छोड़ते हैं, और इन सबसे बिल्कुल अलग योग जो महाअमीर बनाता है, और वो कौन सा है बेटा? ये तो वो अमीर थे जो मैंने बताए जो दुनियादारी के अंदर मैक्सिमम मिलते हैं, लेकिन एक महायोग वो कौन सा होता है? जन्म कुंडली का छठा घर, इसे बोलते हैं पूरे जीवन का करंट। जन्म कुंडली का छठा घर एक ऐसा घर है बेटा, अगर ये घर जागृत हो, इसके अंदर नर ग्रह बैठे हुए हो और दसवां घर भी उस वक्त में आबाद हो किसी ना किसी अच्छे ग्रह को लेकर के, तो ये छठे और दस का कॉम्बिनेशन, आप ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी देखते हो ना, चाहे आप धोनी साहब को ही ले लीजिए, तेंदुलकर साहब को ले लीजिए, किसी को भी ले लो, या बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने जिंदगी के अंदर अपने कला के बल पे बहुत बड़ी महारत हासिल की है, और जो लोग चैन से कभी जीवन में बैठते ही नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ये वाला जो छठे और दसवें घर का योग है, यही मुकेश अंबानी भी बनाता है। यानी कि अचानक धन का उपार्जन ऐसा कि बैठे बिठाए ही धन टूट के पड़े, यानी कि बहुत पैसा आए। ऐसे इंसान की खुद की जिंदगी के अंदर आराम इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा वो आराम अपने घर वालों को देता है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ काम के लिए पैदा होता है, मेहनत के लिए पैदा होता है, उसको कुदरत ने दिमाग ही ऐसा दिया होता है कि वो अपने जनरल जिंदगी के अंदर मजा ले ही नहीं पाते। उन्होंने अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ काम करना होता है, और सुख जितने होते हैं वो घर वालों के होते हैं, और उन्होंने सिर्फ कमाई करनी होती है। तो बेटा छठा घर और दसवां घर जिसका आबाद हो गया और लग गया, और बेटा उसके बाद में बच्चे की जैसे ही 21 साल की उम्र क्रॉस होती है या 18 साल की उम्र क्रॉस होती है, और अगर कहीं दसवें घर का बृहस्पति हो तो 16 साल की उम्र से ही धन पूरी तरह से बरसता है, जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी था, महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे लता मंगेशकर जी हैं, समझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कला के बलबूते जिंदगी के अंदर बहुत निखरे हैं, ठीक है। और मुकेश अंबानी की भी कुंडली के अंदर छठा घर इतना जबरदस्त था कि जिसके अंदर अचानक कोई भी टेंडर डालो उसमें से पैसा आना, शेयर मार्केट से पैसा आना, और बहुत सारी चीजें, यानी कि जो अचानक धन उपार्जन करती हैं, ये योग मुकेश अंबानी की कुंडली में था। और यही कारण है कि नाम तो धीरूभाई अंबानी का हो गया, मेहनत वो करते रहे, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने भी सुख नहीं पाया। सुख पाने का जब समय आया तो वो परिवार के दूसरे लोगों ने पाया, मुकेश अंबानी ने भी उतना सुख नहीं पाया। कारण ये कि उनकी किस्मत में ही यही लिखा है कि हर वक्त सोचना, हर वक्त प्लान करना, हर वक्त काम करना, समझे बेटा। ये जो योग है ये इंसान को बनाते हैं महाधनवान। तो गुरु जी ने कुंडली में लक्षण तो बता दिए हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पहचान सके कि आप धनवान बनेंगे, लेकिन गुरु जी अगर किसी की कुंडली में ऐसे लक्षण नहीं है और वो धनवान बनना चाहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो कैसे धनवान बन सकते हैं? बेटा हमारे जो ऋषि मुनि रहे या पुराने बुजुर्ग रहे,
उन्होंने जितने हमारे संस्कार बनाए, जितने भी रीति रिवाज बनाए, इन ग्रहों को देख करके ही बनाए कि किन ग्रहों की पूजा का विधान क्या है और कौन सी जगह की किस प्रकार की पूजाएं और रीति रिवाज बनाने से हमें जिंदगी के अंदर धनोपार्जन मिलेगा और सुख शांति की जीवन मिलेगा। इसीलिए जो ये एक विधान बनाया कि नहीं, हर रोज सुबह उठ करके मंदिर में जाना और वहां जाकर के जल चढ़ाना, और जब जल चढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि अक्षत यानी कि चावल भी उसके अंदर जरूर होते हैं या चीनी थोड़ी बहुत डाल देते हैं बेटा, और फूल भी देते हैं। तो बेटा ये इसको जल चढ़ाने से चंद्रमा धन भाव के अंदर जाते हैं, और फूल चढ़ाने का जो विधान है, जो परमात्मा को हम माला के रूप में चढ़ाते हैं या थोड़े से फूल लेकर के उनके चरणों में चढ़ाते हैं, ये है बुध। अगर बुध भी धन भाव के अंदर हो तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो भी इंसान सुबह उठ करके मंदिर में जाकर के जल चढ़ाता है या फूल लेकर के वो परमात्मा को जाके अर्पित करता है, उसके चंद्र और बुध ये दोनों धन भाव में जाकर के एक तरह के पहुंचते हैं और उसकी बुद्धि अच्छी होती है और पैसा अच्छा आता है, परिवार कुनबे का सुख अच्छा मिलता है। इसी तरह से मंदिर के अंदर पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है, लाल चंदन का तिलक लगाया जाता है, समझे, और केसर का तिलक भी लगाते हैं। बेटा जो पीला चंदन है ये बृहस्पति है, लाल चंदन है वो मंगल है। अगर हम मंदिर में जाकर के थोड़ा वहां रखा होता है चंदन और वो पाट के ऊपर घिस करके अगर उसको इस्तेमाल करते हैं और वही परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके भी लगाते हैं बेटा, तो इससे बृहस्पति देव धन भाव के अंदर जाते हैं। तो यही मात्र इतना सा काम करने से ही चंद्र बृहस्पति को आप धन भाव में ले जाकर के बेटा अपने लिए गज केसरी योग भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एक ठीक ठाक सी अच्छी अमीरी बनेगी जो बिना विघ्न बाधा के आपकी जिंदगी को चलाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बेटा, दूसरा है शनि और बुध का अच्छा करना। शनि और बुध को अच्छा करने के लिए कोई खास अब हमारे यहाँ विधान नहीं बनाए गए, लेकिन समय समय पे इंसान को अचानक ज्यादा धन की प्राप्ति की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं, जैसे बच्चों की शादियों के, मकान बनाने के लिए, दुनियादारी के लिए, अपने दिखावे के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे थे कि जो कि कुंड के अंदर नहाने का विधान था या कुएं के ऊपर स्पेशली जाकर के नहाया जाता था। और आज भी हमारे यहाँ बेटा कोई भी शुभ कार्य होता है तो कुआं पूजन होता है। वो कुआं पूजन का विधान क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया बेटा कि जन्म कुंडली का छठा घर कुआं होता है, तालाब होता है, और अगर हम तालाब की पूजा या पहले बहुत सारे लोग कुछ बेड़ा वगैरह बना करके, उनके यहाँ ये रिवाज हुआ करता था कि वो खड़े पानी के अंदर छोड़ा करते थे, तालाब वगैरह में छोड़ा करते थे, और वैसे भी जो छठ पूजा वगैरह भी होती है आप देखो वो भी खड़े पानी के अंदर ही होती है, ये बहते पानी के अंदर होती है, सब जगह की जाती है, लेकिन खड़े पानी की पूजा करना बेटा ये छठे घर को जागृत करने जैसा होता है। कुआं पूजन करना, कुएं के पानी से नहाना, ये भी छठे घर को बहुत जागृत करता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े होने तक कुएं से पानी निकाल करके नहाए हैं बेटा, उनको जीवन के अंदर सक्सेस बहुत मिलती है। शर्त यह है कि वो एक ऐसे काम के अंदर हो जिसमें अचानक धन उपार्जन की बहुत ज्यादा गुंजाइश हो, जैसे कि किसी भी चीज के ऊपर पैसा लगा देना और बाद में छोड़ देना और थोड़ी देर के बाद उसमें से पैसा निकलना, किसी भी चीज का टेंडर लेना, किसी भी चीज का जैसे लॉटरी जैसा कुछ भी होना। छठा घर जिनका बहुत एक्टिव होता है वो इन चीजों से पैसा बहुत कमाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन हो, आजकल तो वो सिग्नल यानी कि राहु, छठा घर राहु का होने के कारण तो सिग्नल्स वगैरह के जितने भी काम है बेटा, चाहे वो टेलीकॉम सिग्नल हो या सैटेलाइट सिग्नल हो, कुछ भी हो बेटा, इनसे पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है जिनका छठा घर बेहद एक्टिव होता है। तो बेटा ऐसे में कुआं पूजन या कुएं के अंदर दूध कभी कभी गिराना या खड़े पानी में तालाब वगैरह में नहाना और तालाब की पूजा के विधान बहुत सारे हैं बेटा, उनमें से कुछ भी जो अगर तुम फॉलो करते हो तो बेटा ये छठा घर जागृत होता है। दसवें घर को जागृत करने के लिए बहुत ही आसान है, अपने पिता की सेवा करो, पिता की हर जरूरत को पूरा करो, और पिता का आशीर्वाद लेकर के जो लोग घर से निकलते हैं, माँ का आशीर्वाद तो हर कोई लेता है क्योंकि वो प्रचलन में है और हर कोई बोलता है माँ के लिए, लेकिन बेटा अगर काम का जिंदगी के अंदर चाहिए तो बेटा हर रोज पिता के पांव हाथ लगा करके अपने घर से निकलो। और खास तौर पे दसवें घर के अंदर मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं और खूब काम देते हैं, तो इसीलिए अगर पिता के लिए हर रोज अगर आप थोड़ा बहुत मीठा ला करके उनको खिलाते अपने हाथ से तो बेटा देखो फिर दसवां घर भी कैसे जागृत होता है। तब ये बेटा आप सबको धनवान होने की तरफ लेके चलेगा, काम की तरफ लेकर के चलेगा और जिंदगी के अंदर खूब आराम मिलेगा।
गुरु जी, हमारे दर्शक जो शो देख रहे हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करे होंगे, नौकरी करते होंगे, बार बार छूट जाती है, ऐसा होता है, टैलेंट भी बहुत ज्यादा होता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? जिन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर पांचवा घर बहुत एक्टिव होता है बेटा, वो पढ़े लिखे समझदार होते हैं और पढ़ाई भी कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन वो जब काम करने जाते हैं, क्योंकि पांचवा घर छठे घर से बारवा होने के कारण और छठा घर नौकरी देने के कारण बेटा उनकी नौकरियां बार बार छूटती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपनी मेहनत के बलबूते बहुत छोटी पोस्ट से बहुत हाई पोस्ट तक गए, और तुमने ये भी देखा होगा कि बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन उसके बावजूद भी अपने बुद्धि बल पे वो लगातार तरक्की करते रहे और बहुत ही ऊंचे पदों तक गए, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार उनकी नौकरी छूट जाती है। जब भी नौकरी छूटे या इस तरह के हालात बने तो बेटा थोड़े से साबुत बादाम लो और वो लेकर के किसी भी खड़े पानी के किसी तालाब के किनारे जाओ, वहां जाकर के आप तालाब के अंदर स्नान करो और उसके बाद वो बादाम उसी तालाब के अंदर बहा दो। इस प्रकार से आपको लगातार 6 दिन ये बादाम लेकर के जाने हैं, वो तालाब में छोड़ने और वहां पर नहा करके आना है। बेटा ये होता है, ये जो उपाय है ये छठे घर को जागृत करने का उपाय है, और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर छठा घर जागृत होता है उसकी कुंडली के अंदर नौकरी की बिल्कुल समस्या नहीं रहती। ये उनके लिए है बेटा जो प्राइवेट नौकरी करते हैं और बार बार जिनकी नौकरियां छूट जाती है। ठीक है, ये उपाय करके देखो, जिंदगी में सदा सुखी। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से विनीता जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। बाबा जी, मेरा नाम विनीता श्रीवास्तव है, मेरा जन्म फैजाबाद में हुआ है 1967 फर्स्ट मार्च को सुबह के 7 बजे के आस। विनीता जी सवाल कर सकती हैं। मेरी समस्या ये है बाबा जी कि हमारे घर में मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरे घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल और केतु का मेल, और जब भी चंद्र मंगल के साथ में केतु बैठ जाते हैं, और ये मैं बाकी सारे दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ कि चंद्र मंगल और केतु का मेल हो जाए तो मन किसी तरह से अपने घर में टिक नहीं पाता, जमा पूंजी नहीं हो पाती, और उसके बाद में अगर कोई पैसा वगैरह इकट्ठा करके कोई प्रॉपर्टी या कोई और समृद्धि की चीज इकट्ठी करने की कोशिश भी करते हो तो उसमें भी तकलीफें आती है। ठीक है, इसीलिए बेटा अगर तुमने ये मंगल चंद्र ग्रहण ही हटा दिया तो इसी से तुम्हें बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। एक योग और है जो कि बृहस्पति का पांचवें घर के अंदर बैठना, और वो भी खराब बृहस्पति का, बेटा ये भी कामकाज को कभी पूरा ज्यादा स्मूथ नहीं चलने देता और इससे भी तकलीफें बनती है। तो ये मैं 2 तरह के उपाय तुम्हें बताऊंगा बेटा, और वो उपाय है, सबसे पहले काला सफेद कंबल लेकर के उसको अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर के अंदर देना, और फिर 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, ये हर साल ये उपाय करना, इस चीज का खास ध्यान रखना। और तीसरा बेटा 43 दिन लगातार 20 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर, मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा हर तरह के बुरे हालात खत्म हो जाएंगे। अगर स्वास्थ्य के अंदर भी खराबी रहती है और पति पत्नी के सुखों के अंदर भी दिक्कत हो तो बेटा एक उपाय और जरूरी बनता है, और वो उपाय क्या है, 1 किलो लाल जवार उसे सफेद रेशमी कपड़े में लपेट के किसी खेती की जमीन में दबाना या घास वाली जमीन के अंदर दबाना, और इस उपाय को साथ में बेटा जरूर करो। अगर ये उपाय इतने हो जाते हैं तो इसके बाद में पैसे की पूरी समृद्धि रहेगी, कामकाज अच्छा चलेगा, बच्चों के सुख भी अच्छे मिलेंगे, पति के सुख भी ठीक ठाक रहेंगे, वरना इन सारे हिस्सों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो तुम्हें लिखी हुई है। उपाय करो और सुख पाओ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहे तो अब तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़ी सभी जानकारियां पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरु जी से जानेंगे मालामाल बनने का गुरु मंत्र क्या है। PolicyBazaar.com पे आपको मिलेगा 15 से ज्यादा कंपनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुजी से जान रहे हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो आपको धनवान और मालामाल बनाते हैं। गुरुदेव, ऐसा लोग मानते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ही अमीर बन सकते हैं, क्या जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी कुंडली में अगर धनवान बनने के योग नहीं है क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आप नेट पे सर्च करके देखिए कि बहुत ज्यादा अमीर वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं। ये कुदरत की विडंबना है बेटा, और हमेशा अनपढ़ों ने पढ़े लिखों को नौकरी पे ही रखा है, ये भी कुदरत की विडंबना है। पढ़ाई लिखाई बेटा, जिन लोगों ने वाकई में साइंस के अंदर उतरना है और नई नई रिसर्च करनी है और नई नई चीजें बनानी है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। वहां पर फिर कम पढ़े लिखे होना बेटा वो अपने आप में अभिशाप होता है, और नई नई दुनिया को चीजें प्रदान करना बेटा ये पढ़ाई लिखाई ही संभव कर पाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और आज जमाना जहां भी आया है ये पढ़े लिखों की बदौलत ही आया है, ये भी बात ठीक है। लेकिन कुछ एक योग ऐसे होते हैं बेटा कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं देते लेकिन बुद्धि बहुत तीक्ष्ण देते हैं, और वो कौन से है? अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर दो दुश्मन आपस में ग्रह या तीन चार आपस में दुश्मन ग्रह आकर के बैठ जाएं, वो दिमाग को कभी स्थिर नहीं रहने देते हैं, और बोलने की कला बड़ी गजब की देते हैं, सोचने समझने की कला बड़ी गजब की देते हैं, जैसे बुध और बृहस्पति धन भाव के अंदर बैठ जाएं, जैसे सूर्य और शुक्र ये धन भाव के अंदर बैठ जाएं, या ये चारों ही धन भाव के अंदर बैठ जाएं, तो बेटा दूसरा घर बेहद एक्टिव हो जाता है, जो नगद पैसा यानी कि लिक्विडिटी बहुत देता है। या फिर मंगल पांचवें घर में बैठ जाए, बृहस्पति दसवें घर के अंदर बैठ जाए, समझे? ये कुछ एक ऐसे योग है बेटा जो इंसान की कुंडली में उसकी 15, 16, 17 साल की उम्र से ही काम करने के लिए उसे मजबूर कर देते हैं, और आदमी के पास दिमाग इतना ज्यादा होता है कि प्रैक्टिकल से वो सीख जाता है लेकिन थ्योरिकली उसको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा घर ना भरा होने के कारण या वहां पर पापी ग्रह होने के कारण इंसान का पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल करने में यानी कि काम करने में उसका इंटरेस्ट होता है। या कई लोगों को कुदरती छोटेपन से ही गरीबी मिलती है लेकिन उनकी कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं जिसके कारण वो बचपन से ही काम करते रहते हैं, और उसी को करते करते वो इसके इतने बड़े मास्टर बन जाते हैं अपनी कलाओं के या अपने धंधे के कि बेटा उनकी कुदरत बहुत मदद करती है। तो इसीलिए अगर बृहस्पति देव दसवें घर में हो तो बेटा लोगों से काम करवाना और करवा करके उसको आगे चलाना ये बहुत ही उत्तम योग बनाता है। अगर धन भाव के अंदर ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाए तो बोल करके धन कमाना, किसी भी चीज को अपने आप सीख करके उसके मास्टर बनना, आपने देखा होगा बेटा कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे यानी कि 17-18 साल की उम्र के बच्चे इंटरनेट की दुनिया में ऐसे चमत्कार करते हैं कि बड़े बड़े मास्टर्स को उनके आगे सर झुकाना पड़ता है। वो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लेते हैं कि जो अच्छे से अच्छे लोग भी तैयार कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं है लेकिन वो ये कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा ये होता है, कुदरत ने ही उनको ये ऐसी ताकत दी हुई है कि उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटा आपको अपनी कुंडली का सही विवरण जानना बेहद जरूरी है। इस बात को सिर्फ सोच करके कि आप नहीं पढ़े या आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, इससे निराश होगा होना आपके लिए बहुत खराब। गुरुजी, आज धनवान बनने की बात चल रही है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी धनवान बने, अच्छा काम काज करें, बिल्कुल। तो हमारे जो माता पिता हैं वो कुछ उपाय कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का करियर अच्छा रहे? अगर माँ बाप वाकई में इस चीज के लिए कॉन्शियस हैं और इस चीज की चाहत रखते हैं कि उनका बच्चा बहुत तरक्की करे, तो बेटा उन लोगों को या तो जन्म कुंडली दिखा करके अपने पितर दोषों का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। अगर वो भी वो नहीं करते, मान लो वहां तक उस चीज तक नहीं भी पहुंच पाते, तो बेटा उनके लिए तो सिंपल से उपाय है, और मैंने हमेशा कहा है कि जो भी लोग, जो भी दंपति अपने घर की पहली रोटी निकालता है और आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालता है, उनके यहाँ धन का आना नहीं रुकता, घर में सदा सुख शांति बनी रहती है, बीमारियां दूर रहती हैं और वफादार लोग मिलते हैं उन्हें, समझे, जो उनका साथ देकर के जीवन के अंदर तरक्की के कारक बनते हैं। और यही उपाय वो ऐसा है जो कि कुत्ते और कौवे की जो सेवा और गाय की जो सेवा यानी कि इनको कुछ न कुछ देना, बेटा ये पापी ग्रहों को अच्छा करके आपके बच्चों के
दिमाग से अस्थिरता को निकाल देता है और अस्थिरता को निकालने के बाद उनको अच्छी लिखाई पढ़ाई और तेज दिमागी देता है, जिसके कारण कि आपके बच्चे भविष्य के अंदर बेहद कामयाबी होते हैं। इसके अलावा और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे बेटा किसी भी तरह के फ्रूट और उसके अंदर खास तौर पे केले वगैरह का होना, बेटा ये अगर आप मंदिर में देते रहते हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा। फिर दूसरा, समय समय के ऊपर काला सफेद कंबल या किसी भी प्रकार के चादर या पंडित जी को जो कपड़े दिए जाते हैं वो अगर समय समय के ऊपर भले ही साल में एक बार किसी भी रूप में आप मंदिर में जाकर के देते हैं, तो बेटा इससे भी केतु और शुक्र अच्छे हालात में पहुंच करके आपके बच्चों को तरक्की देते हैं। और अपने घर पे रखी हुई पूरी तरह से साफ सफाई, अगर आपके घर पर दरिद्र है यानी कि जगह जगह गंद पड़ा रहता है और बेड के पीछे या टेबल के पीछे हमेशा धूल चढ़ी रहती है, तो बेटा इस घर के अंदर चाहते हुए भी अगर उनकी कुंडली के अच्छे ग्रह भी होंगे तो तब भी हो सकता है कि बच्चा भटक जाए और पूरी तरक्की ना करे, क्योंकि दरिद्रता का वास अच्छे खासे ग्रहों को भी बिल्कुल बेकार कर देता है। तो इसीलिए घर के अंदर बेहद अच्छी साफ सफाई रखना, ये काम करना बेहद जरूरी है बेटा। और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकालना, और घर के सब लोग अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो बेटा एक इसके लिए सबसे उत्तम उपाय मैंने आपको बता रखा है कि हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। समझे, इतने आप उपाय करके देखिए, गाय की, कुत्ते की, कौवे की सेवा करें और मंदिर के अंदर पंडितों को फल फ्रूट और कुछ न कुछ कपड़े किसी न किसी रूप में वो देते रहे, आप देखिए कि आपके बच्चे की तरक्की हर तरह से संभव हो जाएगी। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन बेटा अच्छा भविष्य जरूर मिलेगा। गुरु जी, कुछ फैमिलीज में हमने ऐसा देखा है कि फैमिली बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स का एस्टैब्लिश बिजनेस होता है या जॉब बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे क्या वजह है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा इसके लिए हम लोग शनि राहु केतु से नहीं डरते, हम बुध से डरते हैं। और ये ज्यादातर वाकई में देखा गया है कि अगर किसी बच्चे का बुध बेहद खराबी के ऊपर आ गया है, उनके माँ बाप बेशक समृद्ध होते हैं, परिवार घराने का नाम भी होता है, लेकिन बच्चा स्वयं किसी काम के अंदर बिल्कुल नहीं चल पाता। और जब ना चलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐब भी आ जाते हैं और उन ऐबों के बाद में तो वो बिल्कुल किसी काम के ऊपर टिक नहीं पाता, क्योंकि अंदर उसके उतावलापन भी बन जाता है। बेटा ये खराबी होती है बुध की और शनि की। और जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और शनि खराब होंगे, बेटा वो अमीर परिवार ही नहीं, किसी भी परिवार के अंदर बच्चा शुरुआत में पढ़ाई लिखाई भी कर लेता है, समझ गए, और परिवार का पूरा सुख सपोर्ट भी उसको मिलता है, लेकिन वो किसी काम के ऊपर नहीं टिक पाता। ऐसे में बेटा जब तक ये शनि और बुध के इलाज नहीं करते, जीवन के अंदर सफलता नहीं मिलती, आप या ये कह सकते हो कि वो किसी भी काम काज के अंदर टिक नहीं पाता और हर माहौल के अंदर कमियां निकाल के अलग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बेटा उपाय करना बेहद जरूरी है। जिनके साथ भी ये हालात हो बेटा, वो 43 दिन लगातार दो दुकानों से बराबर के आम लेकर, चाहे दो दो लो चाहे चार चार लो, बेटा वो आपकी अपनी समृद्धि के ऊपर डिपेंड है। 43 दिन लगातार दो दुकानों से बराबर के आम लेकर के बेटा वो गरीबों के अंदर बांटो, ये बुध और शनि का उपाय है। दूसरा बेटा, ऐसे में चंद्रमा को भी धन भाव के अंदर पहुंचाना, यानी कि अपने आप की बुद्धि को सात्विक करना बेहद जरूरी है। दूसरा उपाय फिर क्या होगा, 43 दिन लगातार थोड़ा सा दूध और चावल लेकर के वो भी मंदिर के अंदर। मात्र ये दो उपाय किए हुए बच्चे के कामकाज को अच्छा करेंगे, बच्चे की बुद्धि को खोलेंगे और तरक्की का रास्ता सुझाएंगे और बच्चे के अंदर पैसे कमाने की ललक बनेगी और अपना स्टेटस बनाने की ललक बनेगी। तो इसीलिए इस उपाय को करो, सब अच्छा होगा। और एक और योग है, और वो योग है कि बच्चा माँ बाप के ऊपर या भाई बहनों के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, पहले वो पढ़ाई लिखाई में भी कामयाब नहीं रहा और उसके बाद कामकाज के अंदर भी वो अपनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसे कहते हैं बृहस्पति का खराब। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो बेटा ना ये पढ़ाई लिखाई देते हैं और ना ही कामकाज देते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको ठीक करने के लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी की गांठ, इनको पीले कपड़े के अंदर बेटा लपेट करके इनको जल प्रवाह कर दो और पीला कपड़ा सिर्फ सूती लेना है। अगर ये उपाय करते हो बेटा, आप देखोगे कि 12-15 दिनों के बाद ही बच्चे के अंदर एक बड़ा अलग सा अजीब सा बदलाव आने लगेगा और वो अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगेगा। आप इन उपायों को करो बेटा, ये समृद्ध परिवारों के जो बच्चे कामयाब नहीं है ये भी समस्या दूर हो जाएगी और परमात्मा खुशियां देगा।
गुरु जी से बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव कोटा से संजय दत्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा जन्म दिनांक है 15/10/1980, वार है शनिवार और जन्म समय है शनिवार रात्रि को 2:30। दत्ता जी अब आप सवाल कर सकते हैं। गुरु जी मेरे साथ समस्या ये है कि पिछले 7 वर्षों से मैं जिस धंधे में जा रहा हूँ वहाँ मुनाफा तो दूर, गुरु जी उसमें घाटे पे घाटा लग रहा है। बेटा जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए 3-3 बुरे योग, पहला बुध का 3रे घर के अंदर होना। बेटा कहते हैं कि बेकार का चक्कर पांव में रहेगा ही रहेगा और हर काम ऊपर पहुंच के बिन पैदे के लोटे की तरह लुढ़क के खराब हालात पैदा करेगा। शुक्र देव लगन के अंदर की कहते हैं अगर अय्याशी का थोड़ा सा भी शौक हो और ऐब आ जाए तो जिंदगी के अंदर बर्बादी तय है। और सबसे बुरा योग जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर खराब राहु। ये जो राहु है बेटा जिद में उड़ाता है, बेकार की मुसीबतें देकर के धन खर्च बनाता है, पुलिस कोर्ट कचहरी करवाता है और यही जिंदगी के अंदर बड़े बड़े दुख देता है जो इंसान स्वयं अपनी जिद के कारण खड़े कर लेता है। इन तीनों ग्रह योग का इलाज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुक्र का बेटा, इसके लिए 1 किलो लाल जवार सफेद रेशमी कपड़े के अंदर लपेट के उसको घास वाली जमीन कहता था। और दूसरा उपाय है बेटा कि हर साल कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के और देसी घी से उस हलवे को तर करना और उसके अंदर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल करके उसके अंदर मुंह देख करके दान देना है किसी भी राह चलते गरीब को। ये साल में एक बार करना है और साल में ही एक बार अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेके उनको भी जल प्रवाह करना है। और तीसरा उपाय, हर रोज एक मुट्ठी मूंग साबुत कटोरी के अंदर स्टील की कटोरी में डाल के बेटा उसको पानी में भिगो के अपने सराहने रखना और सुबह उठ करके वो पक्षियों को डालनी है और 43 दिन फिटकरी के साथ अपने दांत साफ करने हैं। मात्र बेटा इन उपायों को करो, सारे माहौल अपने काबू में आ जाएंगे और जितने ज्यादा सात्विक रहोगे, जितनी परमात्मा की पूजा पाठ करोगे, जितने अपने घर वालों के वफादार बन के रहोगे, जीवन साथी के वफादार बन के रहोगे बेटा, जीवन के अंदर अगर एक भी समस्या आ गई तो मुझे कहना। पर अब बारी आती है गुरु जी से आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज अगर हम समृद्धि की बात कर रहे हैं, भाग्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इंसान अमीर रहे इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र आज भी गुरु का ही होगा। बेटा जिन लोगों की किस्मत के अंदर तीर्थ यात्राओं के सुख हैं और खास तौर पे माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ जिन्होंने तीर्थ यात्राएं बचपन में खूब करी हैं, बेटा उनका भाग्य उनका बहुत साथ देता है। तीर्थ यात्रा ऐसे ही नहीं हो जाती बेटा। अगर जिसके भाग्य में नहीं है वो चाहे भी कि आज मुझे इस तीर्थ पे जाना है बेटा, वो जा नहीं पाता, उसके रास्ते में कोई ना कोई विघ्न या बाधा जरूर आती है, समझे। इसीलिए बेटा बचपन से ही एक नियम जरूर बनाओ, आजकल की जैसे न्यूक्लियर फैमिलियां बन गई हैं बेटा जिनके पास समय भी नहीं है, उन लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए कि जब भी बच्चे के दादा दादी या नाना नानी कहीं पर भी किसी भी तीर्थ पे जा रहे हैं तो बेटा बेशक 2 दिन की बच्चे की स्कूल की छुट्टी करवा दो और करवा के बच्चे को तीर्थ स्थान के ऊपर जरूर भेजो, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे तीर्थ स्थानों पे जाता है, ये सच बात है बेटा, बृहस्पति बहुत प्रबल हो जाता है, उसके बाद बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होता है और बृहस्पति उच्च अवस्था के अंदर पहुंचते हैं, चंद्रमा साथ देने लगता है, जिसकी वजह से चंद्र और बृहस्पति अच्छे होकर के बच्चे को अच्छा ज्ञान दे करके जीवन चलाने की पूरी क्षमता देते हैं। तो इसीलिए बेटा बच्चे को बचपन से ही तीर्थ यात्राओं पे लेके जाओ और भाग्य का असीम सुख पाओ बेटा। और जो लोग ये करेंगे वो सदा ही सुख मनाएंगे बेटा। तो आज का गुरु मंत्र यही कि तीर्थ यात्रा पे जाओ और परमात्मा का आशीर्वाद लेके आओ और अपनी झोली भर के। आज का शो देखने के बाद आपको अमीर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास टैलेंट की कमी है या पैसा नहीं है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए, आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अब कल का विषय जान लीजिए, क्या आपको बार बार धोखा मिलता है? क्या आपको ये डर रहता है कि सामने वाला कहीं धोखा ना दे दे?
क्या आप हर धोखे से खुद को बचाना चाहते हैं? तो हमारा कल का शो देखना ना भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं? अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं? फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं। जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। जय अंबे। बेटा आप सबको मैं बता दूं कि हमारा यज्ञ 18 और 19 नवंबर को बिरला मंदिर दिल्ली पंचकुलिया रोड पे होने जा रहा है, और ये खास तौर पे हमने शनि और इतवार को शुभ मुहूर्त करके रखा है, और इसके अंदर आहुति मात्र देने से ही सब कष्टों का निवारण होता है, और इसीलिए हमने ये सर्व शक्ति यज्ञ रखा। सर्व शक्ति यज्ञ में बेटा यजमान बनने का बहुत ही बड़ा महत्व है, और जो भी लोग उसमें यजमान बनना चाहे वो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के ऊपर कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वैसे हर कोई इसमें आमंत्रित है, कोई भी इस यज्ञ में आ सकता है। तो इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं और हर कोई इस यज्ञ में आ सकता है, और आओ और अपनी झोली